नमस्कार, स्वागत है आपका नवरात्र के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज नवरात्र का पांचवा दिन है। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। आपको बता दें कि मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई मानी जाती है, तो वहीं माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। और आज इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय माता की। पंडित जी, इसी के साथ सबसे पहले आपसे पहला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि देवी माँ की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, आज बुधवार का दिन है और आज जैसा कि हम जानते हैं कि बुध माने सब शुभ कहा जाता है। आज का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, सुबह 10 से 10:30 के बीच में आप पूजा कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे के आसपास आता है। इसके बाद दोपहर में आप 3 बजे से 6 बजे के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। और रात्रि तो माँ की रात्रि है, माँ स्कंद माता की रात्रि है, तो आप पूरे रात्रि भर माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, देवी माँ को प्रसन्न करने की या पूजा करने की विधि क्या है? देखिए, माँ है, आज माता के स्वरूप में प्रकट हुई है। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की पूजा की, माँ स्वयं प्रकट हुई। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में आई, अर्थात तो उन्होंने स्वयं तप करके उस शिव को प्राप्त किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने इस संसार की जितनी भी आसुरीय शक्तियां हैं उन सबके विनाश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और उसके अलावा हर मनुष्य के मन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका शमन करने का काम भी उन्होंने किया। इसके बाद हमने माँ कूष्मांडा की पूजा की, अर्थात इस सारे ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों के बाद सकारात्मक शक्तियों के रूप में इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माँ कूष्मांडा की हमने पूजा की। आज माँ स्कंद माता का दिन है। आज माँ अपने हाथ में छोटे से बालक अर्थात कुमार स्कंद को अपने हाथ में लिए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि माँ जगत जननी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कुमार कार्तिकेय उनकी गोद में है। 4 भुजाओं वाली ये देवी है, जिसके बाएं हाथ में 5-6 मुखों वाले जो षडानन है, जिनके 6 मुख हैं। भगवान कुमार कार्तिकेय, जिनको कृतिकाओं का भी मातृत्व प्राप्त हुआ, ऐसे कुमार कार्तिकेय को बाल स्वरूप में लिए हुए दूसरे हाथ से अभय मुद्रा देते हुए 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद माता हमारे सामने प्रकट हुई हैं। आज इनकी पूजा अर्चना करने से न केवल संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियों का शमन होता है, अभी तो जो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ अपने जीवन में मातृत्व का पड़ता है। जिनके यहाँ संतान नहीं होती है, ऐसे परिवार, ऐसी स्त्रियां, उनको संतान के सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा परिवार जिनका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, वंश परंपरा, कुल परंपरा पर लगभग रोक सी लग गई हो, उनको आज के दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। स्कंद माता इस संसार का संचालन करने वाली एकमात्र अधिष्ठात्री देवी है। जी पंडित जी, इसी के साथ हम आपसे मंत्रोच्चारण का पता पूछना चाहेंगे कि इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए ताकि घर में खुशहाली बनी रहे। बिल्कुल, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि आज के दिन खासतौर से माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए और उनके मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए। पहले तो मैं माँ की पूजा की विधि आपको बताई देता हूँ, जिसके बाद आप मंत्र जाप कर लीजिएगा। देखिए, माँ स्कंद माता, जैसे मैंने उनके स्वरूप का वर्णन किया कि 4 भुजाओं वाली देवी हैं, और माँ जगत जननी को आप का फोटो ले लें, उनकी तस्वीर ले लें, या उनकी मूर्ति आपको यदि प्राप्त हो, बाजार में आप जाएंगे तो माँ स्कंद माता की मूर्ति, बहुत सुंदर सी मूर्ति मिल जाती, वहाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उनका कोई मंदिर हो वहाँ जाकर भी आप पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, माँ जगत जननी की पूजा अर्चना में कुछ चीज़ों का विशेष महत्व होता है। क्या महत्व होता है? चूँकि छोटे बच्चे के स्वरूप में आज माँ उनके हाथ में है, तो छोटे बच्चों को क्या चीज़ें पसंद होती है? सबसे ज़्यादा खीर उनको पसंद होती है, छोटे बच्चों को। तो आज के दिन माँ जगत जननी को खीर का भोग भी लगाया जाता है। क्या करना चाहिए? पहले तो स्कंद माता की मूर्ति आप ले लीजिए, फिर लेने के बाद लकड़ी या आम का पटा हो, उसके ऊपर बहुत सुंदर सा लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए। माँ जगत जननी को हरा वस्त्र भी बहुत पसंद है, तो आप चाहें जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप उस वस्त्र को बिछा लीजिए। वस्त्र को बिछाने के उपरांत माँ जगत जननी को आप स्थापना करें, उन पर चंदन का लेपन करें। चंदन का लेपन करने के उपरांत माँ जगत जननी को इत्र या सेंट हमेशा लगाया जाता है, जिससे
आप स्वयं भी जब इत्र लगाते हैं तो मन बेहद प्रसन्न हो जाता है आपका। तो आप इस प्रकार से लगाइए, माँ जगत जननी को हल्दी, रोली, कुमकुम, भोडर, गुलाल सभी लगाए जाते हैं। उसके बाद लगाइए माँ जगत जननी को आज के दिन लाल पुष्प या गुलाबी पुष्प, उनको बहुत पसंद है दोनों, जो आपके पास कमल आपको मिल पाए वो ले लीजिए, या जो सहज रूप से पुष्प मिल जाए ग्रामीण क्षेत्र में उस पुष्प को आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद माँ जगत जननी के मंत्र का जाप करिए। मंत्र क्या है मैं मंत्र दोहराए देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ जगत जननी का मंत्र है। आप इस मंत्र का जब जाप करेंगे तो माँ जगत जननी आपसे बेहद प्रसन्न होगी। एक और छोटा सा मंत्र मैं आपको बतला देता हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करने में कोई समस्या हो, मंत्र बहुत आसान है, ओम स्कंद माता देव्यै नमः। बहुत साधारण सा मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करें, परंतु एक चीज का ध्यान करें, इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से कीजिएगा। कमलगट्टे की माला से जब आप जाप करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और एक चीज का और ध्यान रखें, लाल कंबल या लाल ऊन का कोई वस्त्र हो उस पर बैठ के आप जाप करेंगे तो बेहद लाभ होगा। जी पंडित जी, तो आप ये जो मंत्र अभी पंडित जी ने बताए हैं इसी के अनुसार, इसी क्रिया अनुसार आप भी नोट कर लीजिए और जरूर इसका उच्चारण करिएगा, क्योंकि इसी से इससे लाभ आप ही को मिलेगा। पंडित जी, अभी आपने बात की स्कंद माता का जो चित्र है वो स्थापित करना चाहिए, आपसे सवाल ये है कि स्थापित किस दिशा में किया जाए जो कि खुशहाली बनी रहे, माँ हमारे घर में वास करें। एक चीज का ध्यान रखिए, स्कंद माता आप माँ हैं, माँ की फोटो किस दिशा में होना चाहिए, उनका श्रीमुख हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, अर्थात पीठ कहाँ होगी, या तो पश्चिम दिशा की तरफ होगी या पीठ उनकी दक्षिण दिशा की तरफ होगी। तो इस प्रकार से माँ की फोटो, माँ का चित्र या माँ की प्रतिमा को आप स्थापन करें। आपको कैसे बैठना है, आप जब माँ पूर्व दिशा में होंगी तो आपका चेहरा पश्चिम की तरफ होना चाहिए, परंतु ध्यान रखें दक्षिण की ओर मुख करके पूजा कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ केवल हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। क्योंकि आज स्कंद माता हैं, हमारे घर में संतान या नई ऊर्जा का प्रवाह करती हैं माँ जगत जननी, तो माँ जगत जननी की आप पूजा दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में अपने श्री मुख को रख के अवश्य कीजिएगा। जी पंडित जी, इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को एक बार ये भी बता दीजिए कि जहाँ पर स्कंद माता का चित्र स्थापित किया जाएगा उस जगह को किस तरीके से शुद्ध किया जाए। बिल्कुल, देखिए स्कंद माता का जब आप फोटो, चित्र या आप प्रतिमा स्थापित करेंगे तो सबसे पहले गंगाजल का छींटा देंगे, गंगाजल उनके ऊपर अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि हम शुद्धि करते हैं। जो भी माँ की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो आता है, कई बार अलग अलग हाथों से होकर आता है तो नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ आती है, इसलिए उनमें सकारात्मक ऊर्जा और प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा जल का छींटा दिया जाता है, थोड़ा सा चंदन का लेपन किया जाता है, लाल चंदन हमेशा उनको लगाया जाता है। चंदन इसलिए लगाया जाता है कि चंदन का एकमात्र कार्य होता है नकारात्मक ऊर्जा का शमन करना। तो आप चंदन का लेपन कर दीजिए, चंदन का तिलक लगा दीजिए, माँ के चरणों में लगाइए, माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। जी पंडित जी, इसी के साथ एक और चीज कि माँ को भोग क्या चढ़ाएं, प्रसाद में क्या दें माँ को। देखिए आज के दिन माँ को भोग में खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माँ के हाथ में स्कंद बैठे हुए हैं, अर्थात कुमार कार्तिकेय जो कि षडानन है, जिनके छह मुख है, तो आज माँ को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आज खीर पुड़ी का भोग लगाइए, और अपने घर में जैसे हमने देखा कि शैलपुत्री के दिन हमको छोटी कन्याओं को का पूजन किया जाता है, ब्रह्मचारिणी के दिन किसी भी ऐसी कन्या का जिसका विवाह नहीं हुआ उसका पूजन किया जाता है, जिस दिन चंद्र घंटा आती है उस दिन विवाहित महिला का पूजन किया जाता है, कूष्मांडा में भी विवाहित महिलाओं का पूजन होता है, आज के दिन छोटे बच्चों का पूजन होता है, खासतौर से पुरुष बच्चों का। तो आज छोटे बच्चों को आप घर में लेके आइए, उनके नन्हे कोमल कोमल पैरों को आप धुलाइए, उन पर जल का छींटा दीजिए, तिलक लगाइए उनके मस्तक पर, और उनको खीर का भोग लगाइए, अर्थात उनको थोड़ी सी खीर अपने हाथों से खिलाइए। जब आप इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं तो माँ स्कंद माता, जिनके सबसे प्रिय बालक हैं स्कंद, वो बेहद आपसे प्रसन्न होती हैं, और खीर का भोग लगा के आप स्वयं भी उस खीर को का सेवन करिए, माँ जगत जननी आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। पंडित जी, अगर बात की जाए घरेलू कला की
तो आजकल माता पिता बच्चों हर जगह कला देखी जाती है, घरेलू कला, घरेलू हिंसा देखी जाती है। तो ऐसे में माँ देवी की पूजा अर्चना कैसे की जाए कि घर के जो संकट है वो कम हो? बिल्कुल, देखिए बात करते हैं हम गृह कलह की। जब विवाह होता है, संतान होती, कई बार संतान नहीं होती उसके कारण भी कलह होती है। वैवाहिक संबंधों में आजकल प्रेम विवाह बहुत आम प्रचलन में है। जब प्रेम करके बच्चे और बच्ची अपने घर पहुंचते हैं तो उनमें शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, बाद के दिन बहुत कष्टमय हो जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन की कलह, घर की जो गृह कलह है उससे निजात पाने अर्थात उससे दूर रहने के लिए आज स्कंद माता की पूजा करना बेहद आवश्यक है। क्या करें जिससे आपके घर में ये सारी कलह की शांति हो? आप एक छोटा सा काम करिएगा, लौंग हर एक घर में पाई जाती है, तो आप थोड़ा सा कर्पूर ले लीजिए, जिसको कपूर भी कहते हैं, एक दीपक में ले लीजिए कपूर और उसके ऊपर थोड़ी सी लौंग रख लीजिए। उस पे एक धुआं, थोड़ा सा तीक्ष्ण धुआं उत्पन्न होगा। आप उस धुएं को पूरे अपने घर में चारों तरफ ले जाएं और जितने भी स्त्री पुरुष हों उनके आसपास उसको अवश्य धुआं को थोड़ा सा दें ताकि उनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। एक और मैं उपाय इसी के साथ जोड़ के बताना चाहूँगा, ऐसे लोग जिनको नज़र दोष बहुत ज़्यादा लगती है, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं या नई सुंदर कन्याएं हैं, बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो क्या करें, 5 लौंग ले लीजिए, सर के ऊपर से लेकर 21 बार आप उतार लीजिए और कर्पूर के ऊपर उस लौंग को रख दीजिए और उस धुएं को घर के बाहर निकाल दीजिए। आप देखेंगे नजर दोष या स्त्री पुरुषों को भी नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा की कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है उससे भी उनको निजात मिलती है। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। जी जरूर करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा, क्योंकि माँ अपने किसी भी रूप में हो अपने बच्चों को कभी भी वो संकट में नहीं देख सकती। अगर बात की जाए बच्चों के अभिभावकों की, तो आजकल बच्चों के माता पिता उनकी पढ़ाई, उनके मनचल रवैये की वजह से परेशान रहते हैं, तो वो भी कुछ उपाय जानना चाहते हैं आपसे पंडित जी। बिल्कुल, देखिए आज स्कंद माता का दिन है, माँ जगत जननी के पुत्र का दिन है और स्कंद बहुत तीक्ष्ण बुद्धिशाली थे। पढ़ाई के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 ग्रह खासतौर से मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है, सबसे पहला चंद्रमा और दूसरा बुध। चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। क्या करें जिससे आपके पुत्र को आज बुद्धि की प्राप्ति हो और उसका मन शांत हो सके? एक बहुत सुंदर सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए, करके देखेंगे तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। आंवला, देखिए हर घर के आसपास कहीं ना कहीं आंवले का पेड़ होता है और यदि आपको आंवले का पेड़ ना मिल पाए तो बाजार में आंवले के फल अवश्य मिलते हैं, तो क्या करें, आप आंवले बाजार से ले आएँ, कोशिश करें 5, 9 या 11 की संख्या में आप उनको ले लीजिए और आज के दिन आप माँ स्कंद माता के चरणों में इन आंवले को रख दीजिए। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हों तो इस आंवले का रस या आंवले को चटनी या किसी भी स्वरूप में अपनी संतान को अवश्य खिलाइएगा। इससे क्या होगा, उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं मजबूत होगी। इसके साथ साथ एक और मैं छोटा सा उपाय बतलाना चाहूँगा कि सफ़ेद रंग का चंदन अब बाजार में मिलता है तो आप श्वेत रंग के चंदन को आप ले आइए और अपने माँ जगत जननी के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप उसमें से उठाइए, हल्का सा उसको गीला करिए और बच्चों का जो हृदय होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, बच्चे और बच्चियाँ हों तो हृदय पे उस सफ़ेद चंदन का एक तिलक वहाँ पर अवश्य लगाइएगा और इसको आप अपने पास रख लीजिए। जब तक वो समाप्त ना हो तब तक थोड़ा थोड़ा तिलक लगाते रहिए, उसके बाद जब भी समाप्त हो तो माँ जगत जननी के चरणों में उसको रख कर रख लीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का न केवल आत्मविश्वास मजबूत होगा अपितु चंद्रमा कहीं ना कहीं बेहद मजबूत होगा। करके देखिए, आपके पुत्र या पुत्री को अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, जो हमारी महिलाएं दर्शक हैं उनके लिए तो बात हुई, तो वहीं अब महिलाएं दर्शक और जो अब के युवा नौजवान लोग हैं, बढ़ती उम्र की वजह से परेशान है कि उनकी शादी नहीं हो रही, तो वहीं उनके माता पिता भी परेशान है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि शादी के लिए जो भी विलंब हो रहा है या जो भी देरी हो रही है उसके लिए थोड़ा संकट जो है वो उसमें विराम लग जाए? बिल्कुल, देखिए आजकल बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप विवाह के लिए क्या करें जिससे उनके विवाह का विलंब दूर हो सके? माँ स्कंद माता की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। दुर्गा सप्तशती में 6ठा अध्याय कोशिश करिएगा, पढ़िएगा, 6ठा, 9 और 13वां अध्याय।
इनको आप पढ़ने की कोशिश करिए, या आप दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ कर लीजिए, हो जाए बहुत सुंदर है। और यदि वो भी ना हो पाए तो एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जिनको हम नवार्ण मंत्र के रूप में जानते हैं, जो कि माँ जगत जननी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है और जिसके बाद आपके जीवन की सारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। मंत्र क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप इस मंत्र का जाप माँ जगत जननी अर्थात माँ स्कंद माता को अवश्य सुनाइए। पंडित जी, जब शादी की बात हुई है तो हमारे जो दर्शक है वो ये भी जानना चाहते हैं कि शादी के टाइम पर कुछ कुंडली में दोष पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय है? देखिए, मांगलिक दोष हमेशा पाया जाता है। मांगलिक दोष के कारण कई मामलों में विवाह नहीं हो पाते, तो उस मंगल दोष को दूर करने के लिए माँ जगत जननी का नवार्ण मंत्र है, आप उसका जाप कर लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पहले मैं मंत्र बताए देता हूँ, उसके बाद में आपको एक और उपाय बताया देता हूँ। मंत्र नवार्ण मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आपने सुना होगा, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और नहीं आप इस मंत्र का जाप कर पाते और मंगल दोष की अधिकता आपके यहाँ है, तो आप एक काम जरूर करिए, क्योंकि आज स्कंद माता का दिन है, बुधवार का दिन है, हरे रंग की मूंग आपको मिल जाएगी बाजार में 1 किलो के आसपास, उसको ले लीजिए। और 1 किलो लाल रंग की दाल जो होती है वो भी आपको बाजार में आज मिल जाएगी। तो आज क्या करिए, एक हरी पोटली में हरी दाल ले लीजिए, लाल पोटली में लाल दाल ले लीजिए, उन इन दोनों की पोटली बनाकर माँ जगत जननी माँ स्कंद माता के चरणों में रख दीजिए। और जो बालक जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, एक एक करके 21 बार उतारिए। पहले हरी पोटली उतार लीजिए, फिर लाल पोटली उतार लीजिए, और अपने पुत्र या पुत्री के हाथ से उसको, गरीब जो भी व्यक्ति आपको दिखे उसको आप दान करा दीजिए। मुझे लगता है इससे मांगलिक दोष और साथ साथ उसके विवाह में या बुद्धि संबंधी कोई दोष भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कई बार बच्चों को दिखाने हम ले जाते हैं लेकिन पसंद तो आ जाते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, इसको हम लोग एक बुद्धि दोष भी कहते हैं कि कई बार पसंद आ गया लेकिन पीछे से मना कर दिया, तो उस बुद्धि दोष को भी दूर करने में इस प्रयोग का की महत्वपूर्ण भूमिका है, करके देखिए अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, अगर बात की जाए आजकल छोटे बच्चों को, युवाओं को, हर किसी को गंदे सपने बहुत होते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए? क्योंकि गंदे सपने होते हैं तो उसके बाद वो अपने जहन में बैठा लेते हैं कि हमारी दिनचर्या इसी तरीके से निकलेगी। बिल्कुल, यदि आपको स्वप्न में कोई भी परेशानी है, स्वप्न में आपको अशुभ स्वप्न आते हैं जिसके चलते आप परेशान होते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। अब क्या करें, स्वप्न दोष, स्वप्न जैसी समस्या आ रही है, बहुत सुंदर सा मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। रात के समय जब भी आप सोते हैं, खासतौर से स्वप्न आते हैं, तो आप कोई भी नुकीली वस्तु जो है, पहले आप जैसे त्रिशूल होता है, छोटी सी तलवार होती है, छोटा सा चाकू होता है, इसको पहले आप माँ जगत जननी के चरणों में रख दीजिए, और रात को जब आप सोते हैं तो अपने सिरहाने अर्थात तकिए के नीचे उसको रख लीजिए, तो आपको किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न या खराब स्वप्न आपको कभी भी नहीं आएंगे, स्वप्न संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। पंडित जी, अगर बात की जाए रोजगार की, तो बेरोजगारी बहुत देखी जा रही है, तो ऐसे में जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए क्या कुछ किया जाए? वो भी कैसे, क्या मंत्र है जो बेरोजगार युवा अपनाए और उनका, उनको सफलता प्राप्त हो? बिल्कुल, देखिए बेरोजगार जितने भी हैं, जो भी बेरोजगार युवक और युवतियां हैं, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, परंतु आज 5वां दिन स्कंद माता का है जो कि ऊर्जा का दिन है, आपको सकारात्मक ऊर्जा दिलाने वाला दिन है, तो एक बहुत छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इसको कर पाएँ, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है और करके देखिए, मुझे लगता है उससे लाभ होगा। एक पान का पत्ता ले लीजिए, जो कि खाने का पान होता है, उसको आप ले लीजिए, उसमें 5 इलायची ले लीजिए और उसको आप लौंग से उसको बंद कर दीजिए और उस बीड़े को आप माँ जगत जननी के सम्मुख रख दीजिए। इसको आप 90 दिन तक अवश्य करिएगा, और जब भी आप इसको रोज़ लें, रोज़ उसका सेवन माँ के प्रसाद के रूप में आप अवश्य करिएगा, करके देखिए, बहुत सुंदर सा उपाय है, माँ को बहुत पसंद है इलायची और पान का बीड़ा, आप उनको भोग लगाइए और माँ से प्रार्थना करिए कि आपको रोजगार की प्राप्ति अवश्य हो, और माँ जगत जननी के मंत्र का जाप कर लीजिए साथ साथ। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः, आप इस मंत्र का जाप करिए, देखिए आपको अवश्य लाभ होगा। आप ये सारे उपाय नोट कर लीजिए जो पंडित जी द्वारा बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसी से आपको सफलता प्राप्त होनी है। स्कंद माता आपके जीवन में खुशहाली ला सकती हैं। पंडित जी, अब जो अगला सवाल है वो शायद हमारे दर्शकों के लिए अहम होगा। धन की हानि किस तरीके से होगी, घर में धन से खुशहाली कैसे आएगी? बिल्कुल, देखिए धन प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं और धन प्राप्ति में माँ जगत जननी माँ स्कंद माता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए धन प्राप्ति के लिए हमको श्री की आवश्यकता होती है और माँ जगत जननी स्कंद माता के रूप में आपको वर दे रही हैं, अर्थात हर प्रकार के धन का लाभ दे रही हैं। तो क्या करें, आज माँ जगत जननी को आप एक पुष्प चढ़ा दीजिए, कमल का पुष्प, जो कि लक्ष्मी जी को भी पसंद है और स्कंद माता को भी पसंद है। और जब भी आप इस पुष्प को चढ़ाएं तो एक मंत्र का जाप कर लें। मंत्र किस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्कंद माता दिव्ये नमः, आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए, आप देखिए आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। पंडित जी, आखिरी बार हमारे दर्शकों को राशि के अनुसार उनका शुभ रंग बता दीजिए। बिल्कुल, मैं राशि के अनुसार शुभ रंग बतलाई देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मेष राशि की, दो दो राशियाँ करके मैं बतलाई देता हूँ, मेष और वृश्चिक राशि, क्योंकि दोनों मंगल की राशियाँ हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या करें, आज हरे रंग के वस्त्र पहने, हरा रंग आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वृषभ और तुला राशि वाले जातकों की, दोनों का राशि स्वामी शुक्र है, तो आज आपको श्वेत रंग का कोई वस्त्र आप धारण करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों को, आज आप हरे रंग के वस्त्र पहनिए तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। बात करता हूँ कर्क राशि वाले जातकों की, आज आप श्वेत रंग का वस्त्र पहने तो आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेता हूँ मैं सिंह राशि वाले जातकों की, आज हल्के भूरे रंग का वस्त्र पहने तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ धनु और मीन राशि वाले जातकों की, आज के दिन आप हल्का सा गुलाबी रंग पहने तो आपको लाभ होगा। बात कर लेता हूँ अंतिम दो राशियाँ यानी मकर और कुंभ राशि वाले जातकों की, आज के दिन आप हल्का सा लाल रंग पहनेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, तो पंडित अरविंद तिवारी जी ने बताया कि नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना किस प्रकार की जाए जिससे माँ प्रसन्न रहे और आपके घर में भी खुशियों का आवास बना रहे। इसके साथ पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत आभार, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।